सो हम लोग पहुंच गए हैं रोवानेमी, जो कि है लैपलैंड का कैपिटल. लैपलैंड लाइज इन द नॉर्थ, एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ फिनलैंड, एंड इट इज़ नियर द आर्टिक सर्कल. लाइक अभी हम लोग लिटरली 4 किलोमीटर आर्टिक सर्कल से है, एंड वी ट्रैवल वाया द सांता क्लॉज एक्सप्रेस. सो लैपलैंड को बोला जाता है सांता क्लॉज का घर. रोवानेमी इज वेयर सांता क्लॉज लिव्स इन एक्चुअल पर्सन. और हम लोग के अपकमिंग व्लॉग में आप सांता क्लॉज से भी मिलोगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम लोग अपने होटल की ओर चलेंगे. और हम लोग का होटल भी बड़ा ही क्लासिक आर्टिक स्टाइल होटल है, एंड यू विल लव इट. सो होटल की ओर चलते हैं, एंड स्टे ट्यून्ड हम लोग के साथ. हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड हम लोग के साथ बने रहिए हम लोग का ये पूरा आर्टिक का सफ़र देखने के लिए. कितना लगा टिकट? 680 फॉर टू पीपल. सही है ना प्राइस? और अगर हम लोग टैक्सी से जाते तो कितना लगता? 70 यूरो. बस आ लिए पैसा. दैट्स व्हाट. पार्टी देना अब तुम. थोड़ा मेहनत लगता है, बट यू नीड टू ऑलवेज गो फॉर बेस्ट ऑप्शन. एब्सोल्युटली. उसने हम लोग को इस रोड पे छोड़ दिया है, और अभी हम लोग चल के ढूंढेंगे कि हम लोग का होटल कहाँ पे है. रोड क्रॉस करते हैं, लेकिन अब बस ये जगह देखिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पिक्चर में मैं आ गई हूँ. इतना मैजिकल है, इतना सुंदर है, काफ़ी ठंडा है. अभी हार्डली 2:30 हो रहा है, बट अंधेरा होना शुरू हो गया है, तो जल्दी से जाके हम लोग होटल ढूंढते हैं. और तुम बीच रोड पे चल रही हो? हाँ यार, बर्फ हर जगह है, पता ही नहीं चल रहा रोड कौन सा है. ठीक है, मैं इसको आने आ जाती हूँ. यार देखो कितना बर्फ है, बर्फ देखिए बस. मुझे लग रहा है मैं पागल होने वाली हूँ. एमएडी मैड, मैड माने पागल. मुझे बर्फ बहुत पसंद है. तो हम लोग को मिला ये छोटा सा इग्लू, एंड हम लोग का रूम का नंबर है 29. तो देखते हैं कि अंदर क्या क्या है. तो ये एक छोटा सा फ्रिज दिए हैं, एंड अपना जैकेट वगैरह टांगने के लिए हैंगर, एंड ये बेड है,
और ये पूरा ग्लास है ऊपर, काफी सुंदर है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा स्टडी टेबल है और यहाँ पे कॉफी मेकर एंड कॉफी वगैरह के सैशे एंड कप्स है। और ये वाला वॉशरूम है, वॉशरूम कुछ ऐसा है। एंड यहाँ पे शावर का जो पानी है, गर्म पानी 25 मिनट्स तक रहता है, सो उसके बाद एक दो घंटा लगता है फिर से वो फिल होने के लिए, तो काफी क्यूट सा है। अच्छा, बेस्ट एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे एक आपको बटन दिख रहा होगा, ओरोरा अलार्म। सो ओरोरा का मतलब है नॉर्दर्न लाइट्स, तो अगर नॉर्दर्न लाइट्स आने का होगा तो आपको अलार्म बजेगा, वो भी दो बारी। सो ये अभी ऑफ है तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स कौन मिस करना चाहता है। और यहाँ रूम में बैठे बैठे हम लोग ग्लास रूफ के थ्रू देख पाएंगे नॉर्दर्न लाइट्स। सो फिंगर क्रॉस्ड आज कुछ अच्छा हो और हम लोग को नॉर्दर्न लाइट्स देखने मिल जाए। यहाँ पे हम लोग आर्टिस्ट लोगों से बात कर रहे थे, तो लगभग 10 आर्टिस्ट लगते हैं इस प्लेस को डिजाइन करके बनाने के लिए। और आप ये जो ब्लॉक्स देख रहे हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ये वाला चीज यूज करते हैं, ये वेपन आई मीन इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, वो यूज करते हैं और नदी को जाते हैं, आई मीन नदी पे जाते हैं, क्योंकि अभी तक नदी पूरा फ्रीज कर जाता है, तो नदी पे जाते हैं इससे और ब्लॉक्स काटते हैं। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ये लोग लेके आते हैं एंड उसके बाद ये लोग इसको कार्व करते हैं। तो इनका बोलना है कि अभी और 5 days लगेगा शायद ये प्लेस को पूरा रेडी होने में, बट काफ़ी आर्टिस्टिक है ये लोग, बर्फ़ के साथ भी इतना सुंदर, मतलब एक होटल ही बना दे रहे हैं बर्फ़ के साथ। सो हम लोग आए हुए हैं कोटा रेस्टोरेंट, जो कि आर्टिक स्नो होटल एंड ग्लास इग्लू का पार्ट है। यहाँ पे दो रेस्टोरेंट है, वन इज लॉग रेस्टोरेंट एंड वन इज कोटा रेस्टोरेंट। कोटा रेस्टोरेंट थोड़ा लाइव टाइप का है, यहाँ पे आप सैल्मन वगैरह बनते हुए देख पाएंगे। एंड वी हैव अ 3-course meal ओवर हियर। 3-course meal आपको पड़ेगा अराउंड 59 euro पर पर्सन। एंड हम लोग का फर्स्ट कोर्स आया है विच इज अ सूप, एंड सूप के साथ हम लोग का है ब्रेड बटर एंड चीज। इसके बाद आगे मेन कोर्स एंड डेजर्ट आएंगे, तो जैसे आता है हम लोग दिखाएंगे कि क्या क्या आता है उसमें। सूप बहुत ही टेस्टी है, इट्स अ क्रीमी पार्सनिप सूप, बहुत ही यम है, गरम गरम। तो ये मेरा मेन कोर्स है सैमन, एंड अंशुमन ने मेन कोर्स में लिया है रेंडियर मीट, एंड उसका भी अच्छा ही दिख रहा है। तो कैसा टेस्ट है अंशुमन?
टेस्टी है। लेकिन रेनडियर लाइक पहली बार खा रहे हो तो कैसा लग रहा है, किससे रिलेट कर पाओगे? जैसे लीवर खाते हैं चिकन का, वैसा टेस्ट है, उतना भी चुए नहीं है। इट्स गुड, इट्स गुड। वो लोग हम नहीं खा पाएंगे। इट्स वर्थ इट ट्राई। बना रहे हैं तो यही सोर्स है जहाँ से वो लोग ब्लॉक्स काट के लेके होटल बना पा रहे हैं। अभी हम लोग लेक पे चल रहे हैं। समर में बस सोचिए कि कितना बड़ा लेक होगा।